टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एनसीपी पार्टी के मुफ्ती अशरफ ने एमएमआरडी के कर्मचारियों को दो दिन में मांग पूरी न होने पर चेतावनी दी है कि उनके मुंह पर स्याही पोती जाएगी। दरअसल मुंब्रा बाईपास से शील फाटा तक जेब्रा क्रॉसिंग और ब्रेकर बनाने की मांग एनसीपी पार्टी के मुफ्ती अशरफ ने की है। पिछले दिनों एक सड़क हादसे में दोस्ती के पास एक महिला की जान चली गई थी। इसी तरह से इसके पहले भी कई बार इस रोड पर हादसे हो चुके हैं और कई जाने जा चुकी है। ज़्यादा रफ्तार की वजह से ये हादसे होते हैं और आधे अधूरे ब्रेकर और गड्ढों की वजह से भी हादसों की खबर सामने आती है। इस रास्ते पर बड़ी गाड़ियां काफ़ी रफ्तार में चलती हैं और इसी रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए भोलेनाथ नगर, शिबली नगर, दोस्ती अल हिदाया, ग्रीन पार्क, कौसर होटल के पास ब्रेकर बनाने की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि आधा अधूरे जो ब्रेकर यहाँ पर बने हुए हैं, उस ब्रेकर की वजह से भी बाइक सवार हादसे का शिकार हो जाते हैं जिसमें उनकी जान चली जाती है। बहरहाल एमएमआरडी के कर्मचारी को आज लेटर दिया गया और मंडे तक काम पूरा करने की मांग की गई है। साथ ही मुफ्ती अशरफ अपने साथ ले गए स्याही हाथ में लगाकर कर्मचारी से कहा कि अगर मंडे तक ये मांग पूरी नहीं हुई तो ये स्याही हाथ में नहीं आप लोगों के मुंह पर लगेगी। वहीं अशरफ मुफ्ती की मांग को लेकर एमएमआरडी के कर्मचारी ने अपने उच्च अधिकारी को फ़ोन किया और इस पर बात की। वहीं अधिकारी ने भी मुफ्ती अशरफ को उनके द्वारा मांग जो की गई है उसे पूरा करने का आश्वासन दिया है। ये इनकी बोतल अच्छे है ना, हम लोग लगाने चेहरे पर सबके, ठीक है ना, क्योंकि आपला का मानसा है, आपला मानसा मी तुम्हाला फक्त वार्निंग देतो, मंडे नाही झालं आपला काम प्रकाश अशरफ बोलतो मी, आपला इकडे उदय डेथ झाली, एक मुलगाचा डेथ झाला, स्पीड ब्रेकर तिकडे नाही, तो जबाबदार कोण आहे, त्याची जबाबदार कोण आहे, तुम्ही जबाबदार आहे की टीएमसी जबाबदार आहे, कोण जबाबदार आहे मला सांगा। मला माहिती नाही कौसाचा प्लांट बंद आहे की चालू आहे, मला माहिती नाही। मी तुम्हाला काय प्रश्न करतो की जबाबदार कोण आहे, की डेथचा जबाबदार कोण आहे, तुम्ही जबाबदार आहे की सरकार जबाबदार, की टीएमसी जबाबदार आहे, मला सांगा। मी तुम्हाला वॉर्निंग देतो, मंडला मंडे आपला काम पाहिजे हो, तुम्हीला करा, तुम्ही काय करू शकतो का करा, तुम्ही तुमचा प्लांट चालू आहे नाही ही माझा प्रश्न आहे, की तुम्हीला काय अरेंजमेंट करू शकतो करा तुम्ही, हो दुसरे से माल लेके कर सकते ना, अगर ये काम नहीं होना चाहिए, तुम्ही आपला माणूस एक बिल्कुल आपने भी किस अधिकारी से बात किया है? हमारे टीम लीडर उनसे बात की। क्या उन्होंने क्या कहा है? बोला कि करके देगा, बोल के अभी प्लान फिलहाल बंद है, काम करके देगा, मुझे इनको बोले साहब। इनकी जैसी मांग है क्या वो मंडे तक नहीं करेंगे? वो फिलहाल करेंगे, वो बोले प्लान बंद है, पर वो जरूर करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको वार्निंग दी है कि अगर नहीं बना मेरे को बताया आप चेहरे पर इंक लगाएंगे। करेगा, मैं बोल के उनको बात भी किया है, वो करेंगे बोल के बोले। क्या नाम है अधिकारी का जिससे बात किया आपने? पलक्ष साहब, पलक्ष साहब। मुफ्ती साहब, क्या एमएमआरडी में आप आज इंक लेकर आए थे और अधिकारियों से क्या कहा आपने, क्या चीज की मांग की है? ये भी कहा है आपने कि अगर काम नहीं पूरा हुआ तो आप इंक लगाएंगे उनके चेहरे पर। इस्लामुद्दीन सर, मैं आपको बताऊं कि ये लेटर इससे पहले हमने इन लोगों को 4 महीने पहले भी दिया था, वो लेटर मेरे पास आज भी है। मैंने इन्हें कहा था कि 6 लाइन रोड बन रहा है और कोई भी बच्चा या कोई बच्ची या बूढ़ा आदमी, ज़यीफ आदमी इसको क्रॉस नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, आप स्पीड ब्रेकर बनाओ, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेलर आते हैं। और इन लोगों ने इस काम को कंप्लीट नहीं किया, नतीजा ये हुआ कि 2 दिन पहले एक औरत की डेथ हो गई।
हमारे फरहान हमारे कार्यकर्ता एनसीपी के, उन्होंने उस खातून को उस औरत को कालसिकर हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। आज हमने उनको लेटर वापस दिया है कि ये स्पीड ब्रेकर और जेब्रा क्रॉसिंग अगर आपने मंडे तक कंप्लीट काम पूरा नहीं किया, ये इंक आज हमारे हाथों पर है और अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो मंडे को ये उनके चेहरों पर होगी। इसलिए हमने उनको वार्निंग दी है। हमने जो हमारी मांगनी है, ये भोलेनाथ नगर एक स्पीड ब्रेकर भोलेनाथ नगर के पास, उसके बाद शिवली नगर जहाँ पर दो दिन पहले एक औरत की डेथ हुई है, उसके बाद दोस्ती, उसके बाद अल हिदाया ग्रीन पार्क और शिलपाटा और एक कौसर होटल के पास। अगर ये स्पीड ब्रेकर हमने कहा कि आप हमको मंडे तक किसी भी हाल में आप हमें बना के दीजिए। यानी भाई क्या मांगने की है आपने आगे? यहाँ पे अब कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले यहाँ पे दो एक्सीडेंट हो गया, दोनों एक्सीडेंट में मौत हो चुकी। तो अब पार्टी की तरफ से मुफ्ती साहब, मैं हूँ, फराने और कार्यकर्ता है हमारे, तो हम लोग ने इनसे मांग की थी कि हमको यहाँ पे स्पीड ब्रेकर चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग चाहिए उसके ऊपर। तो इन लोग का आजकल यही चल रहा था, तो आज मुफ्ती साहब और हम कुछ कार्यकर्ता है पार्टी के, तो हम लोग यहाँ पे आके इनको आज इशारा दिया, वार्निंग दिया है। तो इन्होंने हमको मंडे का टाइम दिया है, तो इनको हमने बोला है कि मंडे तक अगर आपने ये काम नहीं पूरा किया है तो आज जो इंक आप मुफ्ती साहब के हाथ पर देख रहे हो ये तो वार्निंग था, लेकिन ये मंडे को ये उनके चेहरे पे होगा।